हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरे घर में जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, काम लगा हुआ है पीवीसी पैनल का। टाइल्स का लगा था इससे पहले, लेकिन वो किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया है। वजह भी आप लोगों को पता है। और पीवीसी का भी काम जो है ख़त्म ही है। ये सिर्फ थोड़े 2-4 घंटे का काम बचा है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप सभी लोग जानना चाहते हैं, पिछली बार जब मेरे घर में मंदिर बना था इसी रूम में, इधर की साइड यहाँ पे भी पीवीसी का काम हुआ था, तो आप तब भी उस टाइम पे भी जानना चाहते थे कि कितना खर्चा आया है। मन में उत्सुकता होती है जब किसी के यहाँ कुछ भी होता है, चाहे वो मोहल्ले, पड़ोस, गली या हमारे किसी भी जानने वाले के घर में काम हो। इसी तरीके से आप मुझे भी जानते हैं, और जब भी कभी मेरे घर में काम लगता है तो आपको होता है कि कितने में हुआ, तो हम भी अपना बजट सेट कर लेंगे और हम भी करा लेंगे। ऐसा ही मेरे मन में भी होता है जब मैं किसी के यहाँ कोई चीज़ नहीं आती देखती हूँ या कुछ काम लगा देखती हूँ और मुझे पसंद आता है, तो मेरा भी मन करता है मैं इनसे पूछूँ इनका कितना खर्चा आया और ये काम मैं भी कराऊंगी। तो सभी का मन, सभी का दिल, और औरतों को तो होता ही है कि बजट बनाओ, सेविंग्स करो और फिर घर में कुछ नया लाओ या नया काम करवाओ। अपना घर सुंदर बनाना, सुंदर करना किसको भला पसंद नहीं है, सभी औरतों को पसंद होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि ये जो हमारे घर में पीवीसी पैनल का अभी लाइट इस कमरे में एक हटी हुई है, काम चल रहा है, जिसकी वजह से आपको इतना क्लियर नहीं दिखा होगा, लेकिन इधर लग चुकी है, उस वॉल पे लग चुकी है। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ, भैया से मैं नहीं बताऊंगी, जो भैया काम कर रहे हैं वो आपको बताएंगे कि ये कैसा रहता है, क्या करता है, कितने साल चलता है, कितना खर्चा आता है, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ये तो मैं एक बात बोलूंगी कि देखिए, सबको ये लगता है जो वो काम करता है कि वो बेस्ट है और वो अच्छा है। तो ये आपको सोचना है, मेरे कहने पर या उनके कहने पर नहीं कराना है। आपको सारी चीज़ें सोच के, आप वैसे मैंने इस वीडियो में जो आगे मेरी उनसे बातचीत होगी उसमें क्लियर किया गया है कि ये ठीक है नहीं ठीक है, किससे बचाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ों का ना रख रखाव होता है। अगर आप चीज़ों को रखते अच्छे से हैं, मतलब जो भी सामान है घर में, अगर आप अच्छे से उसकी केयर करते हैं तो वो लॉन्ग लाइफ अपने आप हो जाता है। अगर आप बेपरवाही करते हैं तो चीज़ें जो हैं कम समय में खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो सब कुछ डिटेल में आप लोगों के साथ बताया गया है, खर्चा वगैरह सब कुछ। और पीवीसी पैनल किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए नहीं है, वो सब यहाँ पे बताया गया है। मैं चाहती हूँ कि आप बताएंगे, मतलब ये क्या ठीक रहता है, एक कमरे में कितना खर्चा आता है बंदे के। भैया एक मिनट रुकना ज़रा, जैसे हम ये करवा रहे हैं घर में, ये जो दरारे हैं इसकी वजह से हम करा रहे हैं मेन, तो ये ठीक रहता है। सैलाबी की वजह से और सैलाब की वजह से अगर देखे तो सही रहता है, बाकी अगर हमारी दीवार क्लियर है तो उसमें लगाने की तो कोई फायदा ही नहीं है इसको। आजकल तो ये काफी लगा रहे हैं ना, आजकल पेंट वेंट सब जाते हैं उसमें उतार हो जाता है। और कितना खर्चा आ जाता है, जैसे बंदा एक, ये किस किस, मतलब ये हर उसमें आती होंगी ना पीवीसी, मतलब एक लो क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में, इस तरीके से कैटेगरी होंगी ना इसकी भी। अच्छा, बेस्ट कौन सी होती है? बेस्ट इसमें एक नॉर्मल होती है, हैवी होती है, एक सुपर हैवी होती है। अच्छा, सुपर हैवी वो जो मैंने आपको भैया कल दिखाया, लेके आना एक मिनट भैया उसको। तो जैसे इसको कराते हैं तो ये कितने साल तक चलती है? लगभग ये चल जाती है हमारी सीलिंग, फॉर सीलिंग चल जाती है कम से कम 14-15 साल चल जाती है, दीवारों वाली, और वॉल पे 7-8 साल चल जाता है। तो जैसे ये है, मैंने सुना है ना, इसमें मैंने सुना नहीं, मैंने देखा भी है कि इसमें ना वो होल हो जाते हैं, जैसे कुछ प्रकार मार दिया बच्चों ने या कुछ नुकीली चीज लग गई तो बीच में से वो शीट चेंज हो जाती है पूरी। हाँ जी, वो जाती है। सारी हटानी पड़ती है या बीच से ही एक हटा के चेंज हो जाती है? अच्छा, ये है फर्स्ट पे। अच्छा, इसको कहीं भी लगवा सकते हैं? अच्छा, बट ये जैसे कि इन्होंने बताया था, आपने भी बोला था कि ये बरामदे में नहीं लग सकती क्योंकि कटिंग ज्यादा होती है तो फिर वेस्टेज होती है, फिर फायदा नहीं है। लगने को तो लग जाएगी, मतलब किसी के पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, हाँ भाई कोई बात नहीं, लगा दो, वेस्टेज जाएगा जाएगा। हाँ, तो जैसे मान लो अगर इसको हम कमरे में लगाते हैं जिसमें कटिंग नहीं है, जो ये फर्स्ट कैटेगरी में है, अच्छी क्वालिटी में है जो, तो कितना खर्चा आता है इस वाले का, एक कमरे का आपका लगाकर?
70-80 हज़ार का एक कमरे में। और अगर जैसे हम करते हैं ये वाला अगर लगाएंगे तो 35-40 हज़ार में कमरा हो जाता है, एक कमरा 12x12 का। अच्छा, और आपका क्या रहता है इसमें? हमारा 100 रुपये पर मंथ में 10 रुपये स्क्वायर फीट रहता है, और अगर कील से कराएंगे तो 7 रुपये 6 रुपये स्क्वायर फीट रहता है। किससे कराएंगे? अगर कील से लगाते हैं ना पैनल को। अच्छा, ये दो तीन तरीके से लगती है ये? लगाते हैं गिट्टी से। अच्छा, ये किससे लगाई हुई है उन्होंने, आप बता सकते हो? देखे कील से लगी हुई है तो ये सस्ती लगती है, ये जल्दी हो जाता है। और कुछ दिन के बाद क्या होता है, जब हम इसमें जैसे हमने बाहर लगाया, कोई आया हाथ लगा लगा के ऐसे देखते हैं, तो कील जो होती है वो बारीक होती है हमारी, वो लूज होना शुरू हो जाती है ना, तो निकलने का डर रहता है। अच्छा, तो इसमें जैसे सीलन आ रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ भी इसमें, कोई ऐसे का ऐसे ही रहेगा, सीलन के लिए ही बनाया जाता है इसको। अच्छा, और आग भी लगेगी चीज में, सीलन से खराब नहीं होगा। दीवार उस पे ऊपर भी करते हैं ना, छत पे भी? आप कहाँ से हो? यहीं से ही हो आप तो? खैर मुझे तो पता ही है, जसवाला से हो। तो एक कमरा 30-35 में पड़ता है, लेकिन हमारा तो नहीं पड़ा 30-35 में, हमारा तो नहीं पड़ा। नहीं, वो फुल वॉल होता है ना, फुल रूम होता है। अच्छा अच्छा, सीलिंग में ही पड़ती है मतलब? अच्छा अच्छा, दीवारों पे, छत पे। अच्छा, तो आपने छत का लगा कर बताया था 30-35, मतलब अगर आप पूरा रूम कंप्लीट कराते हैं दीवारों को भी और छत को भी तो 30-35 लगते हैं उसमें। आपका लाइट वाला ये 40 रुपये लगभग हो जाता है जो एकदम फर्स्ट क्लास रूम, जो जैसी पिक्चर होती है गूगल वगैरह पे। अच्छा, तो जो ये हमारे वाला हो रहा है, जैसे किसी ने बिल्कुल सिंपल करवाना है भाई, किसी का बजट नहीं है, तो उसका कितने में जाएगा? जैसे हम करा रहे हैं ये बोल रही है, जैसे हाँ सिंपल करा रहे हैं, इसमें कोई डिजाइन नहीं कुछ नहीं, ये चार एक रूम। अच्छा, हमारे तो दो हुए हैं और दोनों रूम जो है मतलब कंप्लीट नहीं हुए। नहीं, सामान तो अलग है, सामान तो बंदे ने जाके लेके आना है, जैसे वो तो वो लेके आ रहा है। इनकी भी कंपनी वगैरह होती है क्या कुछ? कौन सी बेस्ट होती है? बेस्ट इस टाइम पे चल रही है ये दो टाइम पे अच्छी कंपनी है, रिस्पांस अच्छा है इनका, पैनल दे रही है इनको। और एक रियान है, रियान तो ये कौन सी की थी जो हमारे यहाँ आई है? ये ग्लोबस्टार। अच्छा, और कितने दिन लगते हैं इसमें? वैसे गंदगी वगैरह तो ज्यादा नहीं है, गंदगी तो कम ही है, कितने एक रूम को आप कितने दिन में कर देते हो? 4 दिन में। अच्छा, मतलब दीवार छत सब कुछ करने में। और अगर एक रूम सिर्फ जैसे हमारा कर रहे हो वो तो जल्दी हो गया, तो कितने दिन में हो जाता है? इसमें आपका एक रूम है तो एक दिन में हो जाता है। एक दिन में वो खुला चाहिए ना? अच्छा, मतलब कमरा बिल्कुल खाली चाहिए, फिर जल्दी जल्दी हाथ चलता है। हमने तो भर के दिया था। अच्छा अच्छा, हमने वो इसलिए 12x12 कमरे में 22 हज़ार रुपये खर्चा आता है टोटल सब कुछ लगा के। हाँ, टाइल्स का थोड़ा महंगा होता है ना? हाँ, टाइल्स महंगी होती है। टाइल्स का तो ये है कि एक दीवार, ये है कि 10-12 में होती है एक दीवार कंप्लीट। फायदा ये होता है कि अगर हम इसको हटाएं कि और लगाने लग जाता है, हाँ इसको अगर नहीं यहाँ से कहीं और एडजस्ट करना है निकाल के, जो कहीं और एडजस्ट हो जाते हैं। बस इसमें ये प्रॉब्लम है, जैसे मैं रात सोच रही थी कि जैसे हमें कहीं पेंटिंग्स लगानी है, कुछ लगानी है, लग तो जाती है, लेकिन बाय चांस हमने चेंज करनी है जगह, अब हम बोर हो गए कि हमें इस दीवार पे नहीं करनी, हमें तो इस दीवार पे लगानी है, तो लेकिन वो तो वहाँ छेद हो गया ना, वो तो हो गया। फिर हो गया, बंद हो जाता है। किस तरीके से? थोड़ा तो दिखता है,
हाँ वही ना, वो दिखेगा। हमारा ये पेपर होता है ना, इस पेपर को हम निकालते हैं, उस पेपर से बंद हो जाता है, लेकिन हल्का दिखाई देता है, इतना नहीं दिखाई देता लेकिन दिखाई देता है। ये चीज मैं रात सोच रही थी, क्योंकि होता है ना कि भाई हम दिवाली पे बहुत सारी चीज, या तो टेपिंग करनी पड़ेगी, फिर टेपिंग ज्यादा बेस्ट रहती है। स्टिकर वगैरह लगा के, स्टिकर वगैरह हो गए जैसे आजकल स्टिकर चल रहे हैं। हाँ वो मैंने देखा है लोगों के घरों में, जैसे कुछ प्रॉब्लम आई या ये वो हो गया, बच्चों ने कर दिया तो उसमें फिर वो स्टिकर लगा देते हैं। वैसे ना बच्चों, ये चीज ना छोटे बच्चों के घर में नहीं चल पाएगी, क्योंकि बच्चे अगर पेंसिल मार देते हैं तो छेद हो जाएगा, प्रकार कर देते हैं तो छेद हो जाएगा, या फिर हाँ, और सामान भी अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, कोना लग गया तो समझो गया वो हिस्सा ना। बराबर ने बड़े ध्यान से उसमें वो कोने में नहीं लगने दिया था, क्योंकि अभी ध्यान से ये है तो ना, वैसे इसमें लगाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, लेकिन अगर बच्चे वाला घर है तब ज्यादा दिक्कत है इसमें। हाँ बच्चों वाले घर में, बाकी अगर केयरफुली करें तो अच्छी चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखने में लुक वाइज भी अच्छी है, कुछ लगे ना तो उसमें कम से कम ये 12 साल की वारंटी खराब नहीं होगी। अच्छा अच्छा, इतना तो कंपनी गारंटी देती है इसकी ना। पुताई में लग जाता है, एक घर में कितना लग जाता होगा पुताई में, पूरे अगर अच्छा वाला पेंट वगैरह करा रहे हैं तो 40-50 हजार रूपए एक कमरे में, 5 हजार रूपए लगते हैं। नहीं अगर पूरा घर जैसे मान लो हमारा है, हाँ एच डी का चलो छोड़ो, हम अगर अच्छा वाला पेंट कराते हैं, ज्यादा अच्छा भी नहीं तो वो पेंट पेंट लग जाता है पूरे घर में। 16 स्क्वायर फीट में ये मान के चलो आप 25-35 हजार का खर्चा आता है। हाँ तो 35 हजार का खर्चा है, अब हर 5 साल बाद बंदा अगर पेंट करा रहा है, 5 साल बाद तो कराना पड़ता ही है। हाँ चलो हम लगा लेते हैं कि 5 साल बाद कराना पड़ता है, तो उससे ये बेस्ट है, एक बार करा लिया और अगर ये 8 साल भी चल गया तो बड़ी पैसा वसूल कर दिया इसने। पर मैं आपको इतना दिखाती हूँ कि कितना काम हुआ है और इसका लुक कैसा आता है। एक कमरा मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसको दिखाती हूँ, हालांकि उसमें सामान है अभी, सेटिंग हम लोगों की नहीं हुई है, सेटिंग हम आराम से करेंगे धीरे धीरे टाइम लेके, लेकिन फिलहाल मैं आपको आधा अधूरा जैसा भी है वो दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वॉल पे लगा दिया गया है इस तरीके से, काफ़ी सारे डिज़ाइन इसके आते हैं, जो भी आपको अपने घर में रखना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मुझे सिंपल सोबर चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं तो मैंने इसलिए ये चुनी। और दूसरा, इस रूम में जो पहले से लगी हुई है ये वाली, जो कि आपको पता है मंदिर बनवाया था तब लगी थी, तो कुछ कुछ हमें मैच करती हुई लानी थी, सेम टू सेम चीज़ तो दोबारा से नहीं मिलती है, तो इस तरह की मिली है, ये इस तरह की। तो इस तरह से ये शीट्स में होती है और इसको फिक्स किया जाता है बीच बीच में लगाकर, इससे कूड़ा वगैरह घर में कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, मतलब ये सिर्फ जो ड्रिल करते हैं उसी का होता है, टाइल्स लगवाते हैं उसकी अपेक्षा तो देखिए कूड़ा कम है, खर्चा भी कम है, बाकी अपनी जेब के अनुसार अपने समय के हिसाब से बंदा काम करवाता है। अब मैं आपको वो रूम दिखाती हूँ जो कम्प्लीट हो चुका है। तो मेरा ये जो कमरा है आप लोगों ने देखा ही है, जिसमें डाइनिंग वगैरह होता है। हाँ अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वह मेरे बाकी के ब्लॉग्स जाकर चेक कर सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे थोड़ी बहुत सीलिंग थी और बहुत ज़्यादा जो है दरारें थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की सभी लोगों के घरों में, तो उसको हमें कवर कराना था क्योंकि वो गंदा लगता था, तो इस वजह से हमने फिर PVC कराया, जो कि आप लोगों के सामने है। ये रूम कंप्लीट है, मैं अभी आपको इसका बैक कैमरे से पूरा लुक दिखा दूंगी, हालांकि अभी कमरे में सामान फैला पड़ा है क्योंकि मैं धीरे धीरे सेटिंग कर रही हूँ, एकदम से सेटिंग मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे चीज़ों को तरीके से लगाना है, तो वो चीज़ें आप इग्नोर कीजिएगा, डेली ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है ये रूम हमारा ओपन है और इस तरीके से कटिंग वगैरह होकर भी ये सेट हो जाता है जैसे कोनों में, तो हमारे पूरे रूम में इसमें आपको ये ही मिलेगा। ये पैनल मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, ये देखिए ये इसलिए है कील क्योंकि यहाँ पर्दे लगेंगे तो उसके लिए जगह छोड़ी जाती है, लाइट्स वगैरह के लिए भी, तो इस तरीके से है। अभी साफ होनी है, सामान पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ।
मैंने आप लोगों को बता दिया है सब कुछ, भैया से भी आप लोगों ने सुनी ली है उनकी सारी बातें, और मेरा जो एक्सपीरियंस है पीवीसी को लेके वो अभी शून्य है क्योंकि अभी लगा है, तो अभी तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको कुछ टाइम बाद बता पाऊंगी जब हम इस चीज को यूज करना शुरू करेंगे, रहना शुरू करेंगे। अभी तो लगा ही है तो अभी तो देखिए अच्छा ही लगेगा, और बाकी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी अच्छा है या बुरा है, वो आप लोगों को पता चलेगा कुछ महीनों बाद आप लोगों के सामने रहेगा रिजल्ट, क्योंकि जो लोग डेली ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता ही चल जाएगा कि कैसा रहा। बाकी जो भैया ने कहा आप लोगों ने वो सुन लिया है, और देखने में मुझे अच्छा लग रहा है फिलहाल, मुझे बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि काम जल्दी हो रहा है, खर्चा भी टाइल्स के मुकाबले कम है, गंदगी कम है, तो उसके हिसाब से बेस्ट है। अगर आपको टाइल्स लगवानी है या ये करवाना है वो आपका आपसी वो है कि आपको क्या बेस्ट लगता है। हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों को कैसा लगा आप ये बताइएगा, और अपने एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि अगर कोई बंदा सोच रहा है तो वो कमेंट पढ़कर सोचे दो बार, क्योंकि मैं नहीं कहती कि मेरे कहने पे आप कराइए, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है कराने या ना कराने का। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं कल फिर मिलूंगी आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ मेरे वीडियोस कुछ दिन पीछे चल रहे हैं उसके लिए माफी।